किसी भी देश की पहचान होती है, गौरव होती है और हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। हिंदी का विकास एक संस्कृति का विकास है, एक सभ्यता का विकास है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो या पूर्व से लेकर पश्चिम तक हो। भाषा के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल। भाषा अगर हमारी पहचान है, जिस तरह से एक राष्ट्र का पहचान उसका ध्वज होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, उसी तरह से भाषा भी उसकी पहचान होती है। तो आइए आज विश्व हिंदी दिवस पर मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज भाग लेंगे शहर के मशहूर और बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हिंदी के अधिकारी, जो हिंदी के प्रणेता हैं और हिंदी को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गंगाधर वानोड़े जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश बालाजी, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और यहाँ स्टूडियो में पधारे आज की इस परिचर्चा को कायम करने के लिए, तो मैं आपका एक हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज जब हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप किस कार्यालय में काम करते हैं और क्या काम होता है वहाँ पर, हमें बताएं। जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, मुख्यालय आगरा है और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था है। इसके भारत भर में 8 केंद्र हैं, उसमें से हैदराबाद एक केंद्र है बोवेनपल्ली में, वहाँ मैं क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और हैदराबाद में प्रायः इस केंद्र के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र और गोवा। यहाँ के हिंदी अध्यापकों के लिए एक नवीकरण कार्यक्रम हम करते हैं और ये 2 सप्ताह का कार्यक्रम होता है। अब तक जैसे कि कोरोना काल में हमने अब तक 20 ऑनलाइन नवीकरण कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किए और हर कार्यक्रम में लगभग 75 से 85 अध्यापक इसमें उपस्थित होते हैं और विभिन्न अध्यापकों की सेवाएं भी इसमें ली जाती हैं। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में विदेशों से हिंदी सीखने के लिए लगभग हर वर्ष करीब 90 से 95 छात्र दाखिला लेते हैं और उन्हें भारत सरकार केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से सहायता भी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है उनको करीब 6,500 रुपये और उनको आने जाने का टिकट भी दिया जाता है। इनका चयन भारत के जो दूतावास है उनके माध्यम से आगरा में आवेदन आते हैं और एक समिति बनती है जिसमें कि शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, हमारे निदेशक और उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो इस तरह से उन लोगों का चयन किया जाता है। जी, मैं अब रुक करती हूँ डॉक्टर नरेश बालाजी का। और मैम, आप बताइए कि आप किस कार्यालय में कार्यरत हैं और किस तरह का कार्य आपके यहाँ पर होता है? जी, मैं राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर। और हमारा विभाग जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उपक्रम हैं, बैंक हैं, स्वायत्त शासी संगठन हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है ताकि हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। और हमारा कार्यालय सिकंदराबाद में स्थित है और हमारे यहाँ 8 हिंदी प्राध्यापक हैं और 6 हमारे जो हैं वो सहायक निदेशक हैं, जिनमें से 4 भाषा का प्रशिक्षण देते हैं और 2 हिंदी टंकन और आशुलिपि का प्रशिक्षण देते हैं। जी।
लगभग 100 कार्यालयों में हमारा प्रशिक्षण इस समय चल रहा है। बताइए, अब मैं रुक करती हूँ डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी के तरफ और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस कार्यालय में हैं और क्या काम करते हैं। जी मेरा काम हिंदी संसाधन के रूप में काम करना है, यानी यहाँ पर हिंदी को किस तरह से राज्य स्तर पर, पाठशाला स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना है। इसके अंतर्गत हमारा काम यह होता है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण, साथ ही साथ अध्यापकों को प्रशिक्षण देना और उन्हें हिंदी से जोड़कर हिंदी की जो विकसित अवस्था है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से लोगों को जोड़ने का जो काम होता है वो राज्य स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है जो नामपल्ली में है और वहां पर मैं बसर संसाधक के तौर पर हूँ और वो मुझे अपनी सेवाएं देने के लिए जब मुझे आमंत्रित करते हैं तो उनके माध्यम से मैं राज्य के लिए जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, अभी राज्य की वर्तमान की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं 1 से लेकर 10 तक, उन पाठ्य पुस्तकों में समन्वयक और पाठ्य पुस्तक लेखक के तौर पर मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। हाल ही में इंटरमीडिएट की पुस्तकें भी बनी थी, उसमें भी मैंने संपादक के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तक बनी जो कि स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की थी, उस पुस्तकों में मैंने भी सेवा दी। इन पुस्तकों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हिंदी जमीनी स्तर तक पहुंचे और बच्चे उन पुस्तकों के माध्यम से हिंदी को अच्छी तरह से समझें तो उनकी रुचि के अनुरूप, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो कि दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है और ऐसे प्रांत में अगर हिंदी अगर उनका स्वागत करती है तो इससे क्या होता है कि भारत के शेष राज्य आकर्षित होते हैं और जब कभी हिंदी के बारे में दक्षिण भारत में जब अध्ययन होता है तो तेलंगाना का नाम पहले स्थान पर लिया जाता है। तेलंगाना में हिंदी का काम सबसे आगे है। जी। आप लोग पाठ्य पुस्तक का निर्माण में आप योगदान देते हैं और हिंदी के पाठों को, हिंदी के पुस्तकों को आप लोग जो चुनते हैं उसमें किस तरह के पाठ आप लोग रखते हैं, ये एक निश्चय ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है और क्योंकि उससे हम देखते हैं कि बच्चों में जो रुचि है वो उत्पन्न होती है और तभी वो बच्चे आकर्षित होते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। तो हम जानेंगे किस तरह से आप लोग ये सारी प्रक्रिया करते हैं उसके बारे में भी। आज विश्व हिंदी दिवस का दिन है, आज हम यहाँ विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हैं, तो विश्व हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विश्व हिंदी दिवस किस तरह से आरंभ हुआ, कहाँ से इसका आरंभ हुआ और आज इसकी क्या स्थिति है। जी, विश्व हिंदी दिवस की परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम इनकी परिकल्पना से निकली थी, उनकी चर्चा से निकली थी जी। और 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जी नागपुर में मनाया गया था जी। इसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार सभा वर्धा ने बहुत सहयोग किया था और उनके सहयोग से इंदिरा गांधी ने 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था और वहां पर मॉरिशस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के प्रधानमंत्री डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम जी, जी और उन्होंने प्रतिवेदन भी दिया था कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए जी। और वहां से ये परिकल्पना सामने आई और फिर उसके बाद में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जी इन्होंने 2006 में 10 जनवरी को विश्व दिवस मनाने का निश्चय किया और तब से पूरे विश्व में जो भी हमारे भारतीय दूतावास है उसके द्वारा ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने जाने लगा जी। और इस प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उस समय ये भी निश्चित किया गया था कि हिंदी को विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की जाए। तो उस निर्णय को आगे बढ़ाते हुए बाद में उसमें चर्चा परिचर्चा करते हुए अंतिम निर्णय लेते लेते ये 2008 को इस विश्व हिंदी
सम्मेलन विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई मॉरिशस में, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रथम वर्ष मॉरिशस से उस विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव के रूप में होंगे, और उसके बाद उसके 3 वर्ष बाद भारत के कोई प्रतिनिधि महासचिव के रूप में होंगे। परंतु 1 वर्ष महासचिव का पद मॉरिशस को, दूसरे बार भारत को, और इसी बीच महासचिव और फिर उप महासचिव दोनों इसी तरह से थे। तो महासचिव भारत का है तो उप महासचिव होगा मॉरिशस का, और यदि महासचिव मॉरिशस का है तो उप महासचिव होगा भारत का। वर्तमान में उप महासचिव जो है माधुरी रामधारी जी है जी। और इसके पूर्व हमारे भारत के प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी ये महासचिव के रूप में कार्यरत थे। उनका अभी अभी अक्टूबर में कार्य समाप्त हुआ और वे यहाँ पर आए हैं, तो अभी वहाँ महासचिव का पद भरना बाकी है। तो इस तरह से ये कार्य संपन्न हुआ जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ और कैसे इसको स्थिति में लाया गया, और आज इसकी कैसे इसकी संरचना चल रही है और कहां कहां पर इसका कार्य चल रहा है। मैडम, जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो विश्व एक वैश्वीकरण की बात आ जाती है, तो हिंदी का प्रचार आप देखती हैं कहां कहां तक ये पहुंचा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ अनुराधा जी, विश्व स्तर पर हिंदी की स्थिति काफी बेहतर हुई है जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात जिस आत्मविश्वास और जिस सहज और सरल हिंदी में रखते हैं जी, उससे न केवल भारत में बल्कि जो विदेश में रह रहे हमारे भारतीय हैं वो भी बहुत गर्व महसूस करते हैं जी। और बहुत सारे विदेशी अब हिंदी सीखने में अपनी रुचि रख रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से इंटरनेट के माध्यम से हिंदी सीख रहे हैं, और विदेशी कंपनियों को भी ये आभास हो गया है कि अगर भारत में उनको व्यापार करना है तो उन्हें हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है वो भी बहुत समृद्ध रही है, और विदेशी बहुत समय पहले से भारत में आध्यात्मिक साधनाओं के लिए आते जाते रहे हैं, और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि उनकी आधिकारिक भाषाओं में से हिंदी को भी एक आधिकारिक भाषा स्वीकार कर लिया जाए जी। और इसके लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना 2019 में वेबसाइट पर एक हिंदी में समाचार बुलेटिन शुरू किया है। इसके अलावा वेब पेज, इंस्टाग्राम, साउंड क्लाउड, मोबाइल ऐप, इन विभिन्न ई टूल जितने भी ई टूल्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारी हिंदी की विषय वस्तु जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इन ऐप्स पर डाली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी पहुंचे और इससे हिंदी के फॉलोअर्स बढ़ें, और हिंदी जो है ना केवल विश्व के कोने कोने में हिंदी जो है उसको लोकप्रिय बनाया जा सके। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जितने जो ये टूल्स आ रहे हैं उन सभी में हिंदी का प्रावधान है, और एक और बड़ी बात आपने कही कि विदेशी कंपनियों को अगर भारत में व्यापार करना है तो निश्चय ही उसे हिंदी का रास्ता अपनाना होगा और तभी वो यहाँ के लोगों में अपने जगह बना पाएगा। सर, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। विश्व हिंदी दिवस की हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ ये हुआ और किस तरह से इसे मनाया जाता है। जी, जैसा कि डॉक्टर गंगाधर जी ने बताया कि 1975 में विश्व मतलब हिंदी सम्मेलन की जो परिकल्पना थी उसे पहली बार नागपुर में आयोजित किया गया था जी। और उस समय से लेकर अब तक हाल फिलहाल में भोपाल तक जो कार्यक्रम हुए जी, उससे पहले मॉरिशस में हुआ, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हुए थे तो अब तक 10 से लेकर 11 और 12 तक हमारे पास कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसी ऐसी जगह पर आयोजित किया गया है जहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। अच्छा।
आप देख सकती हैं कि जब पहली बार नागपुर में हुआ था, स्वाभाविक है कि अब भारत देश है और यहाँ पर हिंदी की प्रबलता है और हिंदी अधिक मात्रा में बोली जाती है, स्वाभाविक है कि नागपुर तो एक केंद्र था। लेकिन इसके बाद भी कई सारे केंद्र, जैसे आप देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के जितने भी देश, चाहे वहां पर सूरीनाम हो, त्रिनिदाद हो, वहां पर आयोजित किया गया। उसी तरह से जब आप अफ्रीका में जाती हैं, तो आप दक्षिण अफ्रीका में भी, जोहान्सबर्ग में भी आयोजित किया गया था। अच्छा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि विश्व के कोने कोने में इसका आयोजन किया गया। और इससे ये पता चलता है कि जहां कहीं भी इसका आयोजन हुआ, वहां पर हिंदी भाषी लोगों की संख्या प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब इस कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जाता है, तो विश्व के कोने कोने से लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने का कारण यह होता है कि वह हिंदी की अद्यतन जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं। जब अद्यतन जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, तो उस क्षेत्र में वे और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, सुचारू ढंग से काम कर सकते हैं। और जब सुचारू ढंग से काम करने का जब उन्हें अवसर मिलता है, तो उनके सामने संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब कई लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो कई तरह के विचार उपजते हैं, और जब विचारों का एक तरह से प्रजनन होता है, तो उस समय नई नई सोच विकसित होती है। और यही कारण है कि आज विश्व स्तर पर जितने भी, मैं एक बात आपको ये बता दूं कि विश्व हिंदी सम्मेलन एक बहाना है, यह मात्र एक आयोजन नहीं है। यह इस संकल्पना को बताना चाहता है कि हिंदी आज विश्व भर में है। और आपको मैं बता दूं कि विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से सारी दुनिया की नजर इस कार्यक्रम पर होती है। जी। वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वो इसी को मंच बनाना चाहते हैं, और इस मंच के माध्यम से वो अन्य क्षेत्र, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, बैंक का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको संभावनाएं दिखा देते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी महासम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, उन सबका एक तरह से जो मूल उद्देश्य है, वो हिंदी का ना केवल उसका विकास करना है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम। वैसे सर, जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी तो अपने आप में ऐसी भाषा है जिसने हमारे देश में हम सभी को आपस में जोड़ा है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आपको कोई भाषा ना आती हो, लेकिन हिंदी अगर आप थोड़ी बहुत भी बोलते हैं, तो आपका काम चल जाता है। हर राज्य में, हर जगह पर, हर ऑटो वाला, टैक्सी वाला हिंदी तो आप टूटी फूटी ही बोले, लेकिन वो हिंदी बोलता जरूर है। और इसी तरह से जब हम विदेशों में देखते हैं, तो जैसे आपने अफ्रीका की बात की, तो मैं बताऊं कि आज वहां हिंदी का इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है और विकास हो रहा है, लोगों की रुचि बढ़ रही है कि वो बॉलीवुड के माध्यम से ही भले, लेकिन वो हिंदी सीखना चाहते हैं और हिंदी बोलना चाहते हैं। तो वहां के हमारे बॉलीवुड के गानों को वो लोग सीखते हैं, वो लोग बोलना सीखते हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब हमारी भाषा को वो अपनाना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमारा जो ये विश्व हिंदी दिवस का या विश्व हिंदी दिवस को जो हम मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो पूर्ण होगा निश्चय ही कुछ समय बाद। आज भले ही हमारी भाषा तीसरे स्थान पर हो विश्व के स्तर पर, लेकिन निश्चय ही वो पहली भाषा बन जाएगी आने वाले दिनों में, ऐसी हम कामना करते हैं। मैडम, मैं आज आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम तकनीकी की बात करते हैं, तो आपके संस्थान में क्या कुछ कार्य होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से आप प्रशिक्षण देते हैं, तो किस तरह से ये संभव हो पाता है, या आप लोगों को किस तरह से प्रेरित करती हैं कि वो सीखें? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अनुराधा जी। पहले हमारे यहाँ जो दूरस्थ प्रशिक्षण था, वो पत्राचार के माध्यम से, और हमारा एक लीला ऐप है जी, लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से होता था। लेकिन जब कोरोना आया, तो वो कहते हैं ना कि हर प्रतिकूलता में कोई ना कोई अनुकूलता छिपी होती है, बिल्कुल, तो वही हमारे साथ हुआ, और हम लोगों ने जो है ऑनलाइन कार्यक्रम बनाए। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम जो हैं, वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं जी। और ये बहुत सारे अभी नए, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी के बारे में जी, तो बहुत सारे नए ई टूल्स आए हैं, जैसे राजभाषा विभाग की तरफ से एक कंठस्थ
नाम का एक टूल तैयार किया गया है जो स्मृति आधारित अनुवाद टूल है। अच्छा, पहले जितने भी टूल होते थे उसमें ये था कि अनुवाद के लिए कि पहले से जो अनुवाद उसमें किया हुआ रहता है वही अनुवाद आपको मिलेगा। हाँ। लेकिन इस अनुवाद टूल का फायदा ये है कि जैसे जैसे हम उसमें अनुवाद करते जाते हैं तो वो ग्लोबली जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं सबका अनुवाद उसमें स्टोर होता रहता है। अच्छा। तो जब आप अनुवाद करना चाहते हैं करते हैं तो जितने लोगों ने अपना सही अनुवाद किया हुआ होता है वही वाक्य आपको सही मिलेंगे, तो आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया है, और इसके साथ जो लीला ऐप है इसके द्वारा आप घर बैठे भी अपने स्वयं शिक्षण के द्वारा आप हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा ऐप है मैम, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग हिंदी सीखना चाहें तो अब मुश्किल नहीं है, बस दिल में जज्बा होना चाहिए और एक आशा होनी चाहिए कि हाँ हम ये सीख लेंगे तो हम लोग सीख सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर जो प्रशिक्षण का कार्य होता है वो किस तरह का होता है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी को आप लोग इन्वॉल्व करते हैं, या कितना आज जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने की तो कितनी सफलता मिल पाई है हमें हिंदी को टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने में? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी भाषा सिखाने के लिए वहां पर भाषा प्रयोगशाला होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में हमारे मुख्यालय में वहां प्रशस्त एक डिजिटल लैंग्वेज लैब है, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला है। वहां पर विदेशों से जो बच्चे आते हैं या हिंदीतर प्रांतों से भी बच्चे वहां पर प्रशिक्षण के लिए आते हैं। जैसे हिंदीतर प्रांतों के बच्चों के लिए 3 पाठ्यक्रम है, जो एक है हिंदी शिक्षण प्रवीण, हिंदी शिक्षण पारंगत और हिंदी शिक्षण निष्णात। ये समकक्ष पाठ्यक्रम है, जैसे बीएड, डीएड, बीएड और एमएड के समकक्ष पाठ्यक्रम है। और विदेशी छात्रों के लिए 4 प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें है हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम और हिंदी भाषा दक्षता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। इस तरह से 4 प्रकार के पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर कुछ बच्चे जो है अपने देश में या भारतीय दूतावास में कुछ बेसिक हिंदी पढ़कर आते हैं, जी। वो बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वो लिपि से भी परिचित होते हैं। हाँ। और हिंदी भाषा की ध्वनियों से भी परिचित होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि वह अधिक नहीं जानते हिंदी के बारे में, केवल थोड़ा बहुत बोलते हैं, लिखना नहीं जानते हैं। तो सारे बच्चों को हमारे यहाँ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अलग अलग वहां पर आने के बाद उनकी एक परीक्षा ली जाती है, स्तर निर्धारण परीक्षा उसे कहते हैं, और उनके स्तर के अनुसार जो उनको परसेंटेज वगैरह मिलता है, प्रतिशत के अनुसार उनको अलग अलग कक्षाओं में दाखिला दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। जी। तो जो हम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का जो चयन होता है तो वहां पर सभी देशों के बच्चे वहां होते हैं, कुछ को थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ लिपि को नहीं जानते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर हम अलग अलग समूह में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, और फिर उनको उस तरह से पढ़ाया जाता है। अब हम ये देखते हैं पढ़ाते समय कि हर एक भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग ध्वनि व्यवस्था होती है, जी। और उसके अनुसार ध्वनियों के रोध प्रतिरोध उनके इसमें रहते हैं। कभी कभी वो अच्छा उच्चारण कर सकते, कभी नहीं भी कर सकते, लेकिन वो अच्छा उच्चारण करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में हम उनको भाषा प्रयोगशाला में बिठाते हैं, उनका उच्चारण पर कार्य करते हैं। जैसे बहुत से हम भारत में भी देखते हैं और विदेश में भी देखते हैं कि यहाँ जो अड़े जो ध्वनि है उसको कई कई जगह र जैसा उच्चारण किया जाता है, लड़का लड़का, जी, जी। तो ये लड़का है, तो यह अड़ को किस तरह से उच्चारण किया जाए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें उनको इसी तरह से हम देखते हैं। कई सारे भारत में भी इस तरह की भाषा है जहाँ पर महाप्राण ध्वनिया नहीं है, अल्प प्राण ध्वनिया ही है, उसी तरह से कार्य करते हैं। जी। तो श्रीलंका के अधिक बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ। करीब एक एक बैच में वहां पर करीब 18 से 20 बच्चे होते हैं श्रीलंका से,
और श्रीलंका में भी वहां पर के जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है भारतीय दूतावास के अंतर्गत, वहां पर भी बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो वहां पर भी करीब 300-350 बच्चे वहां हर साल पढ़ते हैं। अच्छा। अलग अलग पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान के ही पाठ्यक्रम वहां पढ़ते हैं। हाँ। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के अधिकारी वहां जाते हैं, उनके लिए 15 दिन का और प्रशिक्षण देते हैं, उनकी जो समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं और प्रमाण पत्र जो है उनको या डिग्री जो है डिप्लोमा जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का ही मिलता है। तो वहां दो केंद्र है, जैसे कोलंबो में भी है और केंडी में भी है। केंडी में भारतीय उच्च आयोग का भी एक ऑफिस है, वहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं। और वर्तमान में करीब 4-5 साल से हमारे डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी वहां पर भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो एडू 10 के माध्यम से वहां पढ़ाते हैं, जैसे कि अभी सूरज जी ने कुछ समय पहले बताया था। तो वहां पर ये क्या है सर एडू 10, इसको थोड़ा सा विस्तार करके बताइए। एडू 10 का मतलब जो है एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट, है ना, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। इसका मतलब है कि हम गीतों के माध्यम से छात्रों का मनोरंजन करें और उसके माध्यम से उनको हिंदी पढ़ाएं। उस हिंदी पढ़ाते समय व्याकरण के क्या क्या अंश है उसकी उन्हें जानकारी दें। अच्छा। क्योंकि मनोरंजन के माध्यम से बहुत जल्दी हम लोग सीख सकते हैं, अधिगम उसका हो सकता है। तो ये एक उसमें से कल्पना आई है और इस तरह से कार्यक्रम हमारे मित्र जो डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी, जो पहले रेलवे मंत्रालय में राजभाषा निदेशक राजभाषा के रूप में वो कार्य कर चुके हैं और कई सारे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने कार्य किया है। तो अभी भी श्रीलंका में कई सारे हिंदी पढ़ाने के प्राइवेट स्कूल्स भी है। अच्छा। हाँ, विद्यालय है, तो वे लोग भी विजय कुमार मल्होत्रा जी को वहां पर आमंत्रित करते हैं, जैसे कि केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से साप्ताहिक संगोष्ठी आयोजित होती है। अच्छा। तो इस साप्ताहिक संगोष्ठियों में भी विदेशों से जो हिंदी विद्वान है और हिंदी प्रेमी है, हिंदी प्राध्यापक है, वे लोग भी इस संगोष्ठी में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अनुभव साझा करते हैं। विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है, उनके अपने देशों में विदेशों की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे जापान से मिजोगामी जी है, प्रोफेसर मिजोगामी जी रिटायर्ड हो चुके हैं और भारत में भी उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं। तो वो तो कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को वहां पर नाटकों के माध्यम से हिंदी पढ़ाते हैं, सृजन करते हैं, बच्चों में एक उत्साह निर्माण करते हैं। वो यहाँ पर भी भारत में भी कई सारे ऐसे प्रयोग कर चुके हैं, हैदराबाद में भी प्रयोग कर चुके हैं। अच्छा। कि वो हमारे इस साप्ताहिक संगोष्ठी में बता चुके हैं कई बार और वह हमेशा ही हर साप्ताहिक संगोष्ठी में उपस्थित होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी है, दक्षिण अफ्रीका से भी है, फिजी से है, सूरीनाम से है और कई सारे अन्य देशों से, लंदन से है। लंदन से तो हमारे पद्मेश गुप्ता जी, तेजेंद्र शर्मा जी, दिव्या माथुर जी जो वातायन होती है, उन्होंने हाल ही में हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी को सम्मानित भी किया है वातायन के मंच पर। ओके। सर आप लोग मतलब आपके संस्थान में प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है और उसके माध्यम से वो लोग अपने विद्यालय में छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह से हिंदी को और सरल बनाया जाए और सुगम बनाया जाए और वो लोग बच्चे जो हैं आसानी से इसको समझ सके। जी, तो सुरेश जी आप बताइए किस तरह का कार्य जो आप कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम बनाने का, उसमें आप किन बातों को ध्यान रखते हैं, किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं कि क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में जिससे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, छात्र है, वो हिंदी के प्रति आकर्षित हो। जी, बात तो ये कि हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी, जी। जैसा कि हम जानते हैं कि तेलंगाना एक दक्षिण भारत का एक राज्य है और यहाँ पर हिंदी की जो स्थिति है उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर तेलुगु प्रथम भाषा के रूप में है और उर्दू भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जी।
होता यह है कि उर्दू के प्रभाव से हिंदी काफी प्रभावित होती है हाँ। और यहीं पर एक भाषा जो जन्म लेती है वो दक्षिणी हिंदी कहलाती है जी, जी। और दक्षिण भारत में जो दक्षिणी हिंदी है उसकी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी सुंदरता है जी। और ये दक्षिणी हिंदी जो है हाँ। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है जी। अब इस दक्षिणी हिंदी को हम यथावत पाठ्य पुस्तक में स्थान नहीं दे सकते, लेकिन हम इसके अंश को ले सकते हैं हाँ। लेकिन जब हम भाषा की बात करते हैं और पाठ्य पुस्तक स्तर की बात करते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है जी। पाठ्य पुस्तक जब हम उसका निर्माण करते हैं तो उस समय बालकों के स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना पड़ता है, उनके सीखने के मापदंडों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो क्या सीखना चाहते हैं और उसे किस तरह से सिखाया जा सकता है इसे। तो इसके लिए भाषा को हमें माध्यम का एक मतलब साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसे साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीजें, अब पाठ्य पुस्तक के निर्माण के समय जब हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हिंदी भाषा के अंतर्गत जब बच्चों की रुचियों की बात करेंगे, अगर पहली कक्षा का बच्चा है तो पहली कक्षा के बच्चों को जानवरों के प्रति अधिक रुचि होती है बिल्कुल। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जानवरों से संबंधित बाल गीत हो, छोटी छोटी कहानियां हो हाँ। उस तरह की चीजों को हमें पाठ्य पुस्तक में स्थान देना पड़ता है बिल्कुल। जब आप छठवीं कक्षा में, तेलंगाना में होता यह है कि द्वितीय भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाती है हाँ जी। और द्वितीय भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ पर तेलुगु प्रथम भाषा है, अंग्रेजी है और हिंदी को इसको मतलब साथ में रखा जाता है। तो यहाँ जब छठवीं में आरंभ होता है तो छठवीं के जो बच्चे होते हैं उनकी अवस्था 11-12 वर्ष की होती है। तो 11-12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को हिंदी के प्रति आकर्षित करने के लिए बाल गीतों का सहारा लिया जाता है हाँ। अब जब आप बात करें कि हिंदी में किस तरह से उन्हें आकर्षित किया जाए तो उसके लिए एक प्रक्रिया है हाँ। और वो प्रक्रिया ये है कि हम बच्चों को सबसे पहले पाठ्य पुस्तक में उनकी रुचि के अनुरूप, उनके स्तर के अनुरूप हम उन्हें एक संदर्भ देते हैं। संदर्भ का मतलब होता है कि चाहे वो कोई कहानी हो सकती है, कोई बाल गीत हो सकता है, कोई संवाद हो सकता है, कोई नाटक का अंश हो सकता है, कोई फिल्मी गीत हो सकता है, ऐसी सामग्री जिसमें बच्चों की रुचि अधिक हो उस संदर्भ को हम लेते हैं। उस संदर्भ को हम एक विधा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, विधा के माध्यम से। वो विधा बालगीत हो सकती है, कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है, नाटक हो सकता है, कोई भी विधा हो सकती है, विधा के रूप में लेते हैं। उस विधा में से हम क्या करते हैं कि बच्चों को जब आकर्षित करते हैं तो उसमें से मुख्य वाक्यों को निकालते हैं। जब वाक्यों को हम सामने रखते हैं तो वाक्यों में से मुख्य शब्दों को निकालते हैं जी। जब शब्द को निकालते हैं तो शब्द में फिर अक्षरों को निकालते हैं हाँ। और जब बच्चे अक्षर तक पहुंच जाते हैं तो फिर अक्षरों को जोड़कर शब्द, शब्द को जोड़कर वाक्य, वाक्य को जोड़कर विधा और फिर संदर्भ की ओर जाते हैं। अच्छा, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है हाँ। और ऐसा करने से ही बच्चे हिंदी के प्रति आकर्षित हो पाते हैं। और यही कारण है कि तेलंगाना प्रांत में, चूंकि 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उस समय जो पुस्तकें बनी थी आज भी आंध्र प्रदेश में वही पुस्तकें हैं। अच्छा। हाल फिलहाल में उन्होंने छठवीं सातवीं के लिए पाठ्य पुस्तकें बदली हैं, लेकिन आठवीं नवीं दसवीं में अभी भी वही पुस्तकें हैं जो तेलंगाना में पढ़ाई जा रही हैं। अब वो आगे आगे धीरे वो बदलेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चों के स्तर के अनुरूप, उनकी रुचि के अनुरूप और वो जो सीखना चाहते हैं। आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। मान लीजिए कि नवी कक्षा की पाठ्य पुस्तक है हमारे यहाँ, हमने उसमें उपवाचक के तौर पर एक प्रसिद्ध फिल्म का मतलब कि एक अंश रखा है, एक हाँ। समीक्षा के तौर पर हाँ। फिल्म का नाम है तारे जमीन पर हाँ हाँ। तारे जमीन पर बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक फिल्म बिल्कुल, जिसमें ईशान अवस्थी एक लड़का जी, है जी। जो कि डिसलेक्सिया की बीमारी से ग्रस्त है हाँ। और जो फिल्म में जो निकुंभ सर जो आमिर खान जो पात्र निभा रहा है वो एक ऐसे अध्यापक का पात्र निभा रहा है जो कि बालक के मानसिक रोग को वो पहचान कर हाँ। उसके अनुरूप शिक्षण करने की प्रक्रिया में वो भाग लेता है। तो उस फिल्म के माध्यम से, चूंकि बच्चों को फिल्म काफी पसंद आती है हाँ। तो इससे होता ये है कि बच्चों को हम पाठ पढ़ाने से मतलब पाठ पढ़ाने की तुलना में हम उसे फिल्म दिखाते हैं और जब बच्चे फिल्म देखते हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है। और जब परीक्षा में उससे संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं हाँ। तो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बिल्कुल। तो ये एक मैंने एक उदाहरण के तौर पर जी जी जी। और हिंदी के प्रति ऐसे उनकी रुचि भी बढ़ती है और वो नए शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं,
और फिर परीक्षा में लिखते भी हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पाठ्य पुस्तक में जब हम इस इन चीजों को जब हम स्थान देते हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों को स्थानिकता से जोड़कर रखें। हाँ। उदाहरण के लिए नवी कक्षा में एक और उपवाचक पाठ है समक का सारक का जातरा। अच्छा। समक का सारक का जातरा, ये जो जातरा है ये जयशंकर भोपालपल्ली जिले में पड़ता है अभी, तो उस जातरा के बारे में बच्चों को काफी रुचि होती है। हाँ। इसी जानकारी को जब हम हिंदी से जोड़ते हैं हाँ। तो होता क्या है, एक और स्थानिकता और दूसरी ओर हिंदी के प्रति प्रेम, दोनों क्या करता है बच्चों को आकर्षित करता है और सीखने के लिए उन्हीं और अच्छे अच्छे अवसर देता जी है। जी प्रेरित करता है कि हम अपने स्थान के बारे में भी जानें और साथ ही साथ वो इसी क्रम में हिंदी सीख रहे हैं और मतलब एक पन दो काज यहाँ पर आप लोग कर लेते हैं। इंटरमीडिएट में भी तेलंगाना के दर्शन स्थल नाम का एक पाठ है। अच्छा। 33 जिलों के 33 जिले के जितने भी दर्शन स्थल है हाँ। उस पाठ में सारे के सारे स्थान दिए गए हैं हाँ। और उसके जो मनोहारी दृश्य है हाँ। उनके बारे में जब हिंदी में दिया गया है हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे दूसरी भाषाओं के अध्यापक भी उस पुस्तक के उस अंश को पढ़ रहे हैं हाँ, जी, जी। जानना चाहते हैं कि क्या, क्या है इसमें चूंकि 33 जिलों के बारे में एक आधिकारिक पुस्तक में यह जानकारी दी गई है, इस कारण से अन्य विषयों के अध्यापक भी या अन्य छात्र भी इसके प्रति आकर्षित होते हैं, रुचि ले रहे हैं। जी जी जी। तो यही कारण है कि हिंदी को अगर हम रुचिकर बनाना चाहें तो ये तो आप लोग रुचिकर बना रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। लेकिन सुरेश जी, जब एक बच्चा मान लीजिए उसने हिंदी में अपनी रुचि दिखाई और वो आगे भी पढ़ता चला गया, तो रोजगार के अवसर क्या है हिंदी में, रोजगार के क्या अवसर हैं और क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, रोजगार हमारे शिक्षण का एक उद्देश्य है। अब रोजगार की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि हिंदी पढ़ेंगे या हिंदी सीखेंगे तो उसके बाद हमारा भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। तो हिंदी से आज बहुत सारी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। आज संभावनाओं के तौर पर देखें तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्र, उसमें हिंदी अधिकारी के पद तो हैं। बिल्कुल। ये सभी लोग कहते हैं कि हिंदी अधिकारी के पद, इसके अतिरिक्त क्या है हाँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि हिंदी अधिकारी के अतिरिक्त हाँ। जितने भी निजी क्षेत्र हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, उन सेक्टर्स में यानी कि उन क्षेत्रों में आज हिंदी की संभावनाएं अधिक हो गई हैं। अच्छा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आप मीडिया लेती हैं तो मीडिया में भी प्रकार है, मनोरंजन मीडिया है जी, समाचार मीडिया है। जब आप मनोरंजन मीडिया की बात करते हैं तो मनोरंजन मीडिया में आप देखते हैं कि जितने भी मनोरंजन के चैनल हैं उसमें हिंदी के संभावना ज्यादा है, तो उसमें आपको एक मतलब कि एक एंकर के रूप में तो आपकी संभावना है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं हाँ। चाहे वो लेखन के तौर पर काम करते हैं, अनुवादक के तौर पर काम करते हैं, या मौलिक सामग्री सृजन करने के तौर पर काम करते हैं, यानी एक मीडिया चैनल भी वो हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है, देता है। और हिंदी में ऐसे असंख्य चैनल हैं। जी, जी जी। इसके अलावा जब आप न्यूज चैनल की बात करते हैं तो न्यूज चैनल्स में तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जी, बहुत उज्जवल है इसका भविष्य और आज विश्व स्तर पर इसका बोलबाला है। तो ये मैं मीडिया की बात कर रहा था। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि बैंक का क्षेत्र है, बैंक के क्षेत्र में भी आप इसका बोलबाला देख सकते हैं। जी जी, आपने मीडिया का क्षेत्र बताया ये, और बैंक भी बता रहे हैं। मैं मैडम से जानना चाहूंगी क्योंकि ये कई कार्यालयों में जाती हैं, सरकारी कार्यालय और बैंकों में भी जाती हैं, तो मैडम वहाँ हिंदी की क्या स्थिति होती है और किस तरह का कार्य होता है और हिंदी के रोजगार वहाँ पर किस तरह से और आगे क्या हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ अनुराधा जी, जैसा कि सुरेश जी ने कहा, हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जी। आप हिंदी भाषा के ज्ञान के साथ आप शिक्षा, लेखन, संपादन और इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने बताया मीडिया, फिल्मों में अब अभिनय कर सकते हैं। आजकल एक नया जो चला है वो कॉमेडी हिंदी हाँ। में बहुत प्रसिद्ध हो रही है जी। इसके साथ गायन और व्यापार के क्षेत्र में तो हिंदी का पहले से बोलबाला है ही जी। और जैसे सुरेश जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों में हिंदी अधिकारी हैं, अनुवादक हैं, हिंदी सहायक हैं, इस तरह के बहुत सारे पद जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। जैसे हमारे विभाग में ही ले लीजिए, हिंदी प्राध्यापक हैं, सहायक निदेशक हैं, उप निदेशक हैं, संयुक्त निदेशक हैं, निदेशक तक आप पहुंच सकते हैं अगर आपको हिंदी का ज्ञान है और उस पद के लिए आपकी पात्रता है हाँ। तो बहुत सारे क्षेत्रों में अभी संभावनाएं हैं रोजगार की। हिंदी भाषा
आपका ज्ञान है और उस पद के लिए पात्रता है तो आप बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी मैम कि आप जैसे विभिन्न कार्यालयों में जाती हैं हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए, उनको जो प्राज्ञा, प्रबोध, प्रवीण, इस तरह के जो आपके पाठ्यक्रम हैं उसको आप लोग पढ़ाने जाते हैं, तो वहां पर किस तरह का, सरकारी कार्यालयों की हम लोग बात कर रहे हैं, बैंकों की हम लोग, आप लोग बैंक में भी जाते हैं जी, तो आपने बताया लगभग 100 कार्यालयों में हैदराबाद में आप लोग मतलब कार्य कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल मिलता है, किस तरह का कार्य हो रहा है और क्या और भी वहां पर पद बनाए जाने चाहिए या जितने हैं उतने सफिशियंट हैं, उतने कारगर हैं, क्या मानना है आपका? अनुराधा जी, हमारा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इस विभाग का उद्देश्य जितने भी केंद्र सरकारी कार्यालय हैं वहां के जो हिंदी तर भाषा भाषी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सरकारी हिंदी के कामकाज की हिंदी का ज्ञान देना है। अच्छा, तो जो प्रशिक्षण हम देते हैं प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा और पारंगत, इसके माध्यम से हम उनको ये सिखाते हैं कि आप हिंदी में अपना सरकारी कामकाज कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बैंक, तो बैंक के लिए राजभाषा विभाग ने बैंकिंग पत्राचार एक अलग ही, क्योंकि वो सेक्टर एकदम अलग है, तो उनके लिए अलग से बैंकिंग प्राज्ञा नाम का एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जो हम उनको सिखाते हैं। तो इसका ये जो हम हिंदी माध्यम से उनको नोटिंग और ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, तो हम केवल उनको भाषा नहीं सिखाते हैं जी। हम भाषा से शुरू करके हम उनको ये सिखाते हैं कि हिंदी में आप पत्राचार कैसे करेंगे, आप पत्र कैसे लिखेंगे, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखेंगे, संकल्प कैसे लिखेंगे, आप अधिसूचना कैसे लिखेंगे। तो इसके दो फायदे होते हैं उनको, एक तो हिंदी में कैसे काम करना ये सीखते हैं, दूसरा होता क्या है कि जब भी हम किसी भी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो हमें आमतौर पर नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं सिखाई जाती है, टिप्पणी कैसे लिखनी है या हम लोगों को पत्राचार किस प्रकार से करना वो नहीं सिखाया जाता है। तो हमारे कोर्स उनको ये भी सिखाते हैं कि अगर आप कोई टिप्पणी लिख रहे हैं तो टिप्पणी लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए और उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी जो टिप्पणी है, जो आप नोट पुटअप कर रहे हैं, अप्रूवल के लिए हम लोग पुटअप करते हैं जी। तो इस तरह से हो कि समय भी बचे और आपको बार बार जो है क्वेरीज भी नहीं आए और आपका जो आपने जो टिप्पणी लिखी है वो इतनी प्रभावी हो कि एक ही बार में आपका पूरा काम हो जाए जी। तो ये सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि आदेश क्या है, कार्यालय आदेश क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कार्यालय आदेश का प्रयोग कहाँ करना है, आदेश का प्रयोग कहाँ करना है, कार्यालय ज्ञापन क्या है, अधिसूचना क्या है, तो इसकी जानकारी भी हम उनको देते हैं। तो जब ये लोग सीख के जाते हैं तो कई बार वो लोग शेयर करते हैं कि मैडम हम लोग इतने सालों से काम कर रहे थे लेकिन ये चीजें हमको पता नहीं थी। कि किस चीज का प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दो तरह से उनको फायदा होता है। और दूसरा, जो आपने पदों की बात कही, तो इसके लिए सरकार के निर्देश हैं कि किस कार्यालय में कितनी संख्या है और उस संख्या के आधार पर वहाँ कितने अनुवादक होने चाहिए, कितने सहायक होने चाहिए और कितने सहायक निदेशक या राजभाषा अधिकारी होने चाहिए। तो उन नियमों का अनुपालन करके हमें जहाँ पर भी जरूरत है उन पदों को भरा जाना चाहिए। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से जो आप लोग पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं वहाँ पर जो लोग उस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं उनको किस तरह से फायदा होता है, उन्हें पता चलता है कि हम आज तक ये कर रहे थे लेकिन एक्चुअल इसका कहाँ प्रयोग होता है या किस तरह से इसको प्रयोग में लाना चाहिए। सर, जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो आज जैसा कि मैडम ने बताया कि वो सरकारी कार्यालय में हिंदी को प्रोत्साहित करते हैं और हिंदी में काम करने के लिए उनको बढ़ावा देते हैं, तो क्या ये संभव है कि हमारे जितने सरकारी कार्यालय हैं उनमें पूर्ण रूप से हिंदी में कार्य किया जा सके और कब तक ऐसा हम इसकी संकल्पना कर सकते हैं और क्या क्या रोजगार आप देखते हैं कि आगे और क्या रोजगार के अवसर हो सकते हैं अगर कोई विद्यार्थी हिंदी को अपना कार्य क्षेत्र बनाता है?
देखिए, हिंदी में रोजगार की संभावना के बारे में अभी अभी बताया गया है हमारे सहयोगी बालाजी ने भी और हमारे सुरेश जी ने भी जी। तो इसमें और भी संभावनाएं हैं कि हिंदी में कार्य करने की, कि जैसे हमारे विदेशी विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो उनका अलग अलग उद्देश्य होता है। हाँ। कोई अपने वहां पर जो कंपनियां है उसमें कार्य करना चाहता है, क्योंकि अभी अभी बताया गया है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र है सभी विश्व के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक उनके मस्तिष्क में होता है कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। कोई विद्यार्थी जो विदेश से आता है यहाँ पढ़ने के लिए, वो भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है, तो इस तरह से वो अपना एक माइंड मेकअप करता है और वो अपना कार्य आगे करता है। कोई वो वहां पर हिंदी अध्यापक भी बनना चाहता है और सेवा करना चाहता है जी। कोई विद्यार्थी द्विभाषा के रूप में कार्य करना चाहता है, वो अपनी भाषा में और हिंदी में भी। जैसे कि भारत से कोई मंत्री या कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति वहां जाता है तो वो वहां पर द्विभाषी के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह से विश्व पटल पर भी हिंदी के रोजगार उपलब्ध है। हमारे भारत के भी कई सारे विद्यार्थी हैं, वो दो भाषा तीन भाषा ऐसे पढ़ते हैं, विदेशी भाषा भी वो बच्चे पढ़ते हैं और वो हिंदी और उस भाषा के रूप में द्विभाषी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संभावना तो है। और बाकी यहाँ पर भारत में रहकर भी यदि कोई ये करता है तो हिंदी पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें पत्रकारिता में और भी माध्यम है, जैसे प्रिंट मीडिया है और भी दूसरा है, तो इसमें ये दोनों प्रकार के मार्ग उसके लिए उपलब्ध है। उसमें वो लेखन किस तरह से करना है, क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से करना, ये भी वो सीख सकता है। ये क्षेत्र में भी वो अपना अपना भविष्य बना सकता है। अनुवाद तो बताया ही गया है, तो ये कई सारे विभिन्न क्षेत्र है जिसमें वो अपना रोजगार की संभावनाएं ढूंढ सकते हैं विद्यार्थी, वो बशर्ते कि उसमें वह रुचि ले। बिना रुचि लिए हुए ये कार्य संभव नहीं है। वह चाहे कोई भी भाषा का व्यक्ति हो, वो उसको रुचि लेना ही पड़ेगा और जब वो रुचि लेगा तो वो उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आगे बढ़ेगा, सफलता प्राप्त और करेगा। बिल्कुल सफलता प्राप्त करेगा जी, उसको रोजगार मिलेगा, अवश्यंभावी है, मिलेगा ही मिलेगा जी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और यही चीज हिंदी के साथ भी है, अगर हम पूरे मन से पूरे दिल से इसको अपनाते हैं और इसमें कार्य करते हैं तो निश्चय ही हमारे देश की भाषा आज विश्व में जो तीसरे स्थान पर है वो पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। और हम इसकी कामना भी करते हैं कि हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जैसे कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, वो एक संस्कृति को आगे लेकर बढ़ती है। जब भाषा कहीं हम बोलते हैं तो हमारे जो भाषा होता है, जो संप्रेषण होता है, वो केवल एक भाषा के माध्यम से नहीं, वहां की संस्कृति को भी वो दर्शाती है। और भाषा का विकास होता है तो वहां की सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होता है। और इकबाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है इस पर कि यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो जो हमारी जो संस्कृति है वो आज कायम है, तो उसका कारण यही है कि हमारी भाषा जो है वो कायम है। और हिंदी अपने आप में बहुत सरल और सुगम भाषा है, ये अपनाती है दूसरी भाषाओं को, दूसरे शब्दों को अपने साथ, और यही कारण है कि ये निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। मैं जी डॉक्टर गंगाधर जी की बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। सर ने जैसी बात कही कि विश्व स्तर पर जिस तरह से बाजारीकरण का जो प्रभाव है, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी में जितना काम भारत में हो रहा है उससे दुगना काम बाहर हो रहा है। जी, जी। उसका कारण यह है कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास है। जी। चीन के बाद अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला कोई मतलब देश है दुनिया में तो भारत है। जी। तो भारत में व्यापार की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए विश्व के सभी देश अपना व्यापार करने के लिए आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो दंत मंजन ही क्यों ना हो, चाहे वो तेल ही क्यों ना हो, चाहे चप्पल जूता ही क्यों ना हो, और चाहे बड़ी चीज ही क्यों ना हो, सबसे पहले उसका विज्ञापन हिंदी में बनाते हैं। बिल्कुल। और वो उसे विश्व स्तर पर काम करते हैं। जी। आज मैं
कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी आज टेली शॉपिंग कंपनी है, जितने भी कंपनी है, सारी की सारी कंपनी आज हिंदी में अपना काम अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जी, जी, जी। और इस क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा था कि रोजगार की संभावनाएं क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि रोजगार की संभावनाओं के लिए डिग्री की तृतीय वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सत्र 5 और सत्र 6 में हमने इस बार क्या किया है कि एक मतलब की पूरा का पूरा एक पार्ट रखा है रोजगार की संभावनाओं के लिए। अच्छा, इस वर्ष अच्छा पत्राचार यानी कि विशेषकर कि न्यूज क्षेत्र में किस तरह से काम किया जाता है, अनुवाद के क्षेत्र में किस तरह से काम किया जाता है, उस्मानिया विश्वविद्यालय ने इस वर्ष काम किया है, इससे पहले कभी नहीं था, जी, इस वर्ष से वो आरंभ हुआ है। जी, जी, तो ये एक कदम है, ये बहुत 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 अच्छा कार्य आप लोगों ने किया और बहुत बहुत बधाई हम देते हैं कि इस तरह के जब परिवर्तन आते हैं पाठ्यक्रम में आएंगे, स्टूडेंट्स के पास, छात्रों के पास वो विचार पहुंचेंगे, तो निश्चय ही वो धीरे धीरे अपनी रुचि जो है इस भाषा में बनाएंगे और सारे रोजगार जो है अब तो मुझे लगता है कि सभी कुछ हिंदी में संभव है, क्योंकि हिंदी टेक्नोलॉजी में भी संभव है। जब कंप्यूटर में हम लोग हिंदी से काम कर पा रहे हैं तो फिर हर काम हम लोग कर सकते हैं हिंदी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और मैं मैडम आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो आज के युवा हैं या जो हमारे दर्शक हैं विश्व हिंदी दिवस का ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहें। देखिए, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान हमारा अपना सम्मान है और ये जो नई शिक्षा नीति है इससे हमें पूरा विश्वास है कि हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी समानांतर विकास होगा और हम लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम सबके सामूहिक प्रयास से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व पटल पर भी हिंदी जो है वो अवश्य उभरेगी। इसलिए हिंदी और अपनी भाषाएं अपनाएं और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। वाह मैम, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। सर, मैं चाहूंगी एक छोटा सा आप भी संदेश जल्दी से दे दें। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व में अगर कोई युवा देश है तो वो भारत है। भारत में जो युवकों की संख्या है विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह कि अब हिंदी बहुत लचीली बनती जा रही है। लचीली का मतलब यह है कि वह लोगों के अनुरूप बनती जा रही है। जब लोग अपने अनुरूप उस भाषा को ढाल लेते हैं तो भाषा एक पानी की तरह बहने लगता है और उसको वो आसानी से ग्रहण करते हैं। क्योंकि भारत में कई सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाएं सीखना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे हम बहुसंख्यक लोगों को संबोधित कर सके, तो उसका एक माध्यम हिंदी है और हिंदी के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को, अपने विचारों को, अपने प्रयोजनों को वो पूरा कर सकते हैं और इसके लिए हिंदी एक माध्यम है। यही कारण है कि यहाँ के युवाओं को हिंदी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि विश्व उसने पूछ रहा है और विश्व के लोग हिंदी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में आवश्यकता। बहुत अच्छी बात कही आपने सुरेश जी, बहुत बढ़िया। सर, एक छोटा सा संदेश आप भी हमारे दर्शकों और युवाओं के लिए। भारत के और भारत के बाहर के विद्यार्थी और लोग भी हिंदी सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अपना नया भविष्य सामने दिखता है और वे इस भविष्य को साकार करने के लिए हिंदी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं और बाकी लोगों ने भी इसे अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। जी। भारत के कई देश जैसे कि हम सुनते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है, परंतु हम जब नवीकरण पाठ्यक्रम करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी प्रचारक हमारे इस ऑनलाइन नवीकरण पाठ्यक्रम में कम से कम एक एक पाठ्यक्रम में 70 से 80 हिंदी प्रचारक इस प्रशिक्षण लेने के लिए जुट जाते हैं। जी। अभी तक हमने इस कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष में करीब 6 नवीकरण पाठ्यक्रम केवल तमिलनाडु राज्य के हिंदी प्रचारकों के लिए किए हैं, जिसमें लगभग संख्या 65 से लेकर 80-85 तक रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हिंदी प्रेम कितना है। भले ही सरकारी स्तर पर हिंदी नहीं हो, परंतु विश्वविद्यालय स्तर पर वहां हिंदी है और प्राइवेट जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पर भी हिंदी विभाग है, पढ़ाया जाता है और हिंदी
एमफिल भी किया जाता है वहां पर, पीएचडी भी किया जाता है, स्नातकोत्तर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी है जी। और स्कूल के बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये हिंदी प्रचारक अपने घर पे बच्चों को बुलाकर पढ़ाते भी हैं और स्कूल में जाकर भी पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि जो हिंदी प्रचारक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और हिंदी हमें निश्चय ही सीखना चाहिए। अपनी भाषा के साथ साथ हमें अपने देश की भाषा, जो सभी को एक सूत्र में जोड़ती है, उसे सीखना चाहिए। आप सभी ने अपना समय निकाला, हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जी। हिंदी से मेरी पहचान, हिंदी से तेरी पहचान, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है हम सबका मान। जी हाँ दोस्तों, आज हिंदी हमारे देश में ही नहीं, हमारे राज्य में ही नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, बल्कि विश्व के स्तर पर अपना परचम लहरा रही है, और ये परचम निरंतर बना रहे और आगे बढ़ता रहे, इसकी हम कामना करते हैं, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं, और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं लेती हूं विदा, फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक अलविदा हैदराबाद।